अच्छा नहीं लगता वो टोकरी आते हैं मैम, बड़ा मैसेज गया है पूरे जिले के अंदर, मैसेज गया कि टोकरी बजती है टोकरी के अंदर। पता नहीं ज्यादा क्या कलेक्टर मैडम यहाँ आ रहे, सीओ साहब आ रहे, तो अच्छा लगता है मैडम सच में। वो बिना बता जाते हैं फिर नहीं मिलता है तो कुछ पाई जाती है। आप लोग पधारो, स्वागत है अधिकारी, पधारे, हम वेलकम करते हैं सबको। कलेक्टर साहब पहली बार दो साल हमारा कोरोना खा गया सबको का, फिर आपके आने से अच्छी सेक्शन निकली थी शुरुआत में, फिर ब्रेक लग गया। अभी शिव साहब ने जानबूझ के, मेरा व्यक्तिगत नहीं कर रहे, सभी सरपंचों का, कोई सरपंच पहली बार अपने बेचारे रो रहे हैं साहब। आज कम से कम 198 सरपंच बैठे हैं। अभी हम विधायक साहब से मिले थे, विधायक साहब ने आपको मंत्री महोदय में किया। मैडम जैसलमेर के भौगोलिक दृष्टि से बड़ा जिला है और वास्तव में शिव साहब जानबूझ के और एक कोटडी ग्राम पंचायत गया में। इस लोकतंत्र में कई चीजें संस्कारों से चलती है, हमारे इधर घूंघट प्रथा खत्म नहीं हुई, होनी चाहिए नहीं हुई, लेकिन वहाँ जाके बोलते ये तो महिला वापिस आई है और छुट्टी के दिन बुलाना, गांव में कोई डेथ हो रखी थी फिर भी बुलाया, कोई बात नहीं, फिर उनको बोला तो सही है कि नहीं है, मतलब क्या प्रपंच और केंद्र सरकार की जो नरेगा योजना है मैडम, उसमें बजट भी खूब सारा है, उसमें किसी को बड़ा जिला पहले से परेशान है, जिले स्तर पे क्या पता है, लोकल एमएलए मंत्री जी सब चाह रहे हैं तो फिर क्यों नहीं हो रहा इस पे। ऐसा है कि जिले लेवल पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, उसको हम आशा करते हैं, अपेक्षा है आपसे बड़ी उम्मीद है मैडम, इसलिए आपके पास आए आप हमारे जिला परिषद में जो फाइलें भेजी हुई नरेगा की उनको यहां बुला के सेक्शन की जाए, किसी पंचायत में तो ज्यादा हो गई सेक्शन, किसी में हो ही नहीं रही। एक एक साल हो गया फाइलें पड़ी है, राज्य सरकार से भी है, केंद्र सरकार से भी है, नरेगा योजना अंतर्गत जो एनएमएमएफ का है उसको हमने सेक्रेटरी मैम ने लिखा है, भारत सरकार के सेक्रेटरी जी को पूरा प्रदेश में ज्ञापन दिया था, प्रदेश में अभी जो एनएमएमएफ बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, टावर भी नहीं है और जहाँ पे बॉर्डर है तो वहाँ आर्मी भी नहीं जाने देती है, तो वहाँ जो पहले 19 लोग थे उसको अभी उन्होंने उसको भी कर दिया कि भाई लेबर है वो फोटो लेगी, उसमें ये भी है और बाकी सारी जो मांगे हैं हमारी प्रॉब्लम यहाँ की लोकल भी खूब सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इस पे जो जिले स्तर पे है उसको आप थोड़ा ठीक करवाएं और जो प्रदेश पे है तो प्रदेश के लिए आप भिजवा दीजिए और केंद्र पे है तो केंद्र के लिए भिजवा दीजिए, और पशु शिविर के लिए जो पेमेंट वाला है वो हमारे SDM साहब फतेहगढ़ साहब बाकी लोग भी परेशानी कर रहे हैं क्योंकि हम बिल तो फीड करवा चुके हैं 5 महीने पहले, अब उसके लिए अब उसके लिए वापिस लेटर जारी कर रहे हैं कि ये नॉर्म्स नहीं था, तो नॉर्म्स पहले हम लोगों को बता देते तो हम उस हिसाब से आपको बिल सबमिट करवाते, तो वो भी बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आई है क्योंकि बिल है वो लगभग एक ग्राम पंचायत के 30 से 40 लाख रुपए हैं, क्योंकि सारे लोग कोई इतने आर्थिक में इतने मजबूत नहीं है, लोग ब्याज से इंटरेस्ट से ला के पशु शिविर गायों के लिए चारा लगाया था, लेकिन वो बड़ी समस्या आई हम लोगों की। एक इसमें राज्य वित्त आयोग की जो किस्त है उसके लिए भी है, एक 15वां वित्त की किस्त है जो राजस्थान सरकार के पास है, उसको थोड़े दिन क्या स्टेट सरकार रोक के उसके बाद में आगे भेज दी, हमने प्रदेश स्तर पर सारी चीज़ें दी और बाकी सारी चीज़ें हैं जो ये है खासकर जिले वाली जो है ना, एक तो पशु शिविर पेमेंट, दूसरा नरेगा कुछ की हो जाती है कुछ की होती नहीं है, तो लोगों को लगता है कि सेक्शन प्रॉब्लम हमारे साथ ही होगा बाकी के निकल सारे आप हिंदुस्तान की टॉपर रही हो भागे से, आज जिला कलेक्टर महोदय हो, सीओ हमारे सीओ साहब भी बहुत परेशान रहे हैं, एक तो सीओ साहब आजकल।